चलो आज मैं आपको स्ट्रैटेजी बनाता हूँ कैसे आपको अच्छा पढ़ना चाहिए और कैसे एग्जाम्पन आता है सब्जेक्ट में। देखो सबसे पहले तो आपको सुबह उठना पड़ेगा, ठीक है। सुबह का टाइम सबसे बेटर होता है इंस्टीट्यूट ऑफ नाइट स्टडी, ध्यान रखना, क्योंकि रात को अगर आप 6 घंटे भी स्टडी करो ना, सुबह के वो 2 घंटे होते हैं, फ्रेश माइंड होता है। रात को पूरे दिन भर का होता है, किसी का गुस्सा, किसी का प्यार, मतलब मम्मी पापा का, तो सब दिमाग में होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट सुबह अगर आप 6 बजे भी स्टार्ट करते हो तो 6 से 9 अगर आप कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट ले सकते हो। कौन सा सब्जेक्ट? थ्योरी सब्जेक्ट। क्यों? फ्रेश माइंड होता है, लॉ अच्छे से जाता है। जब आप दोपहर को खाना खाते हो तब आपका कौन सा सब्जेक्ट आएगा? फॉर एग्जाम्पल 12 to 3, तो आपका कौन सा सब्जेक्ट आना चाहिए? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्यों? क्योंकि खाना खाने नींद आ जाती है और प्रैक्टिकल सॉल्व करने में टाइम चले जाता है, उसमें नींद नहीं आती। थ्योरी में ऐसे पढ़ते पढ़ते इंसान सो जाता है, बट प्रैक्टिकल में नहीं सो पाता। शाम को वापस अच्छी नींद चाहिए रात को, तो वापस थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ो। मतलब अगर 6 to 8 अगर आपने थियोरेटिकल भी सब्जेक्ट पढ़ा वापस तो अच्छा रहेगा। 8 से 9 बजे क्या करना चाहिए आपको? बीच में जब सोने के पहले आप है ना कुछ भी अच्छा पॉजिटिव सोचो, मतलब आप सीए के बाद क्या हो सकता है, क्या क्या कैंपस प्लेसमेंट है, कितना पेमेंट मिलेगा, कितना पैकेज है, अच्छा सोचो, पॉजिटिव होगा, मेरे को इतना करना है, मेरी लाइफ में ये ड्रीम्स है मेरे, उसके बाद में सोचो तो सो जाओ। और रात को खाना कम खाना चाहिए। जो बच्चे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं डेली 4 बजे उठता हूँ, 4:30, मैं मुझे अगर आप 10 बजे मैसेज करो ना तो मेरे को रिप्लाई नहीं आता 10:30 के बीच में, क्योंकि मैं 9:45 को सो जाता हूँ। सुबह में 4 बजे उठता हूँ, 4 बजे इमीडिएट रुपया आएंगे मैं, इसका मतलब मैं व्हाट्सएप पे बैठता इसकी ऐसा नहीं, बट मैं रुपया आने के बाद देता हूँ, मेरा काम होता है नेट। इसका रीज़न क्या है? रात को कम खाना खाओ, क्योंकि क्या होता है सुबह भूख लगती है, नींद खुल जाती है अगर भूख लगी तो। रात को अपने ऐसे अपने इंडियन क्या करते हैं लोग, रात को ज़्यादा खाना खाते हैं, दिन भर में पूरा कम कम खाएंगे बट रात को ज़्यादा खाएंगे, तो इसी क्या होता है नींद अच्छी से आती है एकदम, और कम खाया तो नींद नहीं आती ऐसे लोग। दोपहर को सोया मत करो, आपके ऑटोमेटिकली आपका सुबह उठना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आप दिन में अगर सोओगे ना रात में नींद नहीं आएगी जल्दी से। वो ये हैबिट डाल दो आप ऐसे डिसिप्लिन की, मुझे सुबह 1 घंटा पढ़ना है, दोपहर को 1 घंटा पढ़ना है, शाम को 1 घंटा। एक सब्जेक्ट डेली पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। एक सब्जेक्ट दिन भर खाते हो क्या? नहीं खाते हो, वैसे ही एक सब्जेक्ट दिन भर बोर हो जाएगा। सब्जेक्ट को डिवाइड करो, सुबह थ्योरी, दोपहर को प्रैक्टिकल, शाम को थ्योरी। अगर लाइफ चेंज करनी ना तो डिसाइड करो, काफ़ी अच्छा स्कोप है, सब बढ़िया एकदम, खुद के ऊपर बिलीव करो, अपने को सब आता है। देखो हर किसी में कमी होती है, हर किसी में थोड़ी थोड़ी कमी होती है, बट किसी के पास तो कुछ एडवांटेजेस भी होता है ना, तो उसका सोचो, जो नहीं है उसका छोड़ दो, जो है उसको और इम्प्रूव होगा, और आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। सिर्फ बिलीव करो अपने ऊपर, बहुत लोग आएंगे कि नहीं होगा आपसे, नहीं होगा, बोलने दो, आपको एक दिन पक्का होगा। सिर्फ पढ़ाई और फोकस रखो बस, बाद में पैसा तो आपको इतना मिलेगा कि आप काउंट ही नहीं कर सकते, अगर आपकी मेहनत अच्छी की, ठीक है।